वेलकम टू माय चैनल साइबर ऑन डिमांड्स। इस आज के लेक्चर के अंदर हम खाली लिनक्स को डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है क्या ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफर करता है, किस मकसद के लिए है, उसको कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। लिनक्स एक ओपन सोर्स सिस्टम है, जो इससे पहले यूनिक्स इस्तेमाल होता था वो डॉस बेस्ड था, उसके बाद जीयूआई बेस्ड एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ जिसे लिनक्स कहा जाता है, लिनक्स टोल्डा ने लॉन्च किया और इसके ऊपर काम किया। तो उसी का ये एक डेबियन बेस डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको कहा जाता है काले लिनक्स, और इसको डेवलप किया है ऑफेंसिव सिक्योरिटी वालों ने, सर्टिफाइड प्रोफेशनल ने, और ये तमाम प्लेटफॉर्म के लिए वो इसको ऑफर करते हैं, x86 64 बिट्स वगैरह, और इसको ऑफेंसिव सिक्योरिटी वालों ने डेवलप किया है इसमें, और इसमें तमाम टूल्स फ्री ऑफ कॉस्ट हमें अवेलेबल हैं जो हम पेन टेस्टिंग के लिए और हैकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशंस की इंफ्रास्ट्रक्चर को, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को टेस्ट करते हैं, और उसके अंदर किसी किस्म की कोई वीकनेस वगैरह जो है उसके मुताबिक रिपोर्ट बनाई जाती है और उसको हम दूर किया जाता है, या कोई वल्नरेबिलिटीज है या कोई उसके अंदर वीकनेस है या कोई फ्लॉ है उसको जो है वो रिमूव किया जाता है। तो काले लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, google.com.pk ओपन कर लें और उसके ऊपर आप यहाँ पे गूगल में सर्च कराएं, काले लिनक्स के नाम से इसको सर्च कराएं, तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है इसकी वेबसाइट www.kali.org, और लिखा हुआ है काले लिनक्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड इथिकल हैकिंग। हैकिंग मुख्तलिफ किस्म की होती है, कुछ ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं जो गलत मकसद के लिए हैकिंग टूल्स को इस्तेमाल करते हैं और वो ऑफेंसिव भी है और वो इलीगल है, और कुछ वाइट हैट हैकर होते हैं जो उसी चीज़ को एक अच्छे तरीके से अपनी सिक्योरिटी इम्प्रूव करने के लिए उन टूल्स को या उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो इसके ऊपर आप लिख देंगे कालीनिस पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड एथिकल हैकिंग लिनक्स, इसकी वेबसाइट kali.org ओपन हो जाएगी, और यहाँ लिखा हुआ और मोस्ट एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, और सबसे ज़्यादा एडवांस और इसकी अपडेट्स वगैरह ये अवेलेबल है। सामने एक लिंक है डाउनलोड्स का, आप डाउनलोड काले लिनक्स में आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे तमाम लिंक्स अवेलेबल होंगे डाउनलोड की। पहला लिंक जो नज़र आ रहा है आपको वो लिखा हुआ है काले लिनक्स 64 बिट टोरेंट के ज़रिए से। टोरेंट एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, नेट पर डाउनलोड हो जाता है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका वर्जन 2020 लेटेस्ट वर्जन है। अब मैं उसके बाद काले लिनक्स 32 बिट है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट होते हैं या 64 बिट होते हैं, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को फाइंड आउट करना कि 32 बिट है या 64 बिट है, जिस कंप्यूटर पर राइट क्लिक करें और इसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं, तो यहाँ पे तमाम आपकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर तमाम इंफॉर्मेशन आ रही होती है। इस तरह मेरे लैपटॉप पर आ रही है कि विंडो 10 प्रो इंस्टॉल है, प्रोसेसर इंटर कोर i7 है, फोर्थ जनरेशन का प्रोसेसर है और 2.10 गीगाहर्ट्ज़ उसकी प्रोसेसिंग स्पीड है, 8GB रैम मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है, और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ से आप पता चला सकते हैं 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मैं यहाँ से डाउनलोड भी 64 बिट करूँगा, वर्जन काली नेक 64 बिट डाउनलोड करूँगा ताकि इसको रन कर सकूँ। अगर 32 बिट है, 32 बिट तो बहुत पुराना हो गया, आजकल मोस्टली सारे नए जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट होते हैं। इसी तरह नीचे काली लिनक्स 64 बिट लाइव है, यानी आप इसको USB में कॉपी कर सकते हैं, वहाँ से लाइव चला सकते हैं, CD में बंद कर सकते हैं, DVD में बंद कर सकते हैं, वो उसमें लाइव है। DVD एक 4.7GB उसकी स्पेस होती है, तो उसमें आप 2.7GB की स्पेस है, सामने लिखी हुई है यहाँ पे, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इस तरह की से काली नेक्ट इंस्टॉलर है और दूसरे इंस्टॉलर्स हैं। अब ये जो वर्जन है 2020 वर्जन है, इसको मैंने डाउनलोड किया, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इस वर्जन को डाउनलोड करते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं और चलाते हैं, तो अगर आप लोकल एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं, इंटरनेट का होना काली लिनक्स में ज़रूरी है अगर आप उसको टेस्ट करना चाहते हैं, लैन पे नेटवर्क के साथ नेटवर्क पे आना बहुत बहुत ज़रूरी है, तो उसमें केबल के साथ अटैच करेंगे तो लैन उसमें चल जाएगा और इंटरनेट काली लिनक्स के अंदर जो है वो चल पड़ेगा और वो नेटवर्क के साथ काली लिनक्स अटैच हो जाएगी। लेकिन जब मैंने वायरलेस अडॉप्टर इसके साथ अटैच किया है तो वो ड्राइवर का इशू है, उसके ड्राइवर को इंस्टॉल करना पड़ता है और उसके बाद वो उसमें इशू है। ये 2020 में एक नया इशू था जो मैंने देखा है। इसमें सबसे आसान चीज़ ये है कि आप नीचे देखें काली लिनक्स 64 बिट VMWare, इसको इंस्टॉल कर लें, डाउनलोड कर लें 64 बिट VMWare। अब वर्चुअल मशीन के दो बड़े सॉफ्टवेयर हैं, एक वर्चुअल बॉक्स और एक VMWare, ठीक है। वर्चुअल बॉक्स आप ओरेकल की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं और VMWare भी आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप अगर वर्चुअल मशीन के अंदर इसके अंदर इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं या प्री कन्फिगर VMWare इंस्टॉल करना चाहते हैं, उसमें टेस्टिंग करना चाहते हैं, तो इस बात का ख्याल रखें कि विंडो 10 के ऊपर वर्चुअल मशीन जो है वो 15 वर्जन से ऑनवर्ड होनी चाहिए,
उससे कम होगी तो कभी सीपीयू का एरर दे देगा, काली लिनक्स उसके अंदर इंस्टॉल नहीं होगी, क्योंकि इसमें भी हमारा मेरा काफ़ी टाइम इसमें जो है वेस्ट हुआ है विंडो 10 के अंदर, कि वो VmWare जो है वो पुराना था, वो हार्डवेयर के साथ नए हार्डवेयर के साथ कंपेटेबल नहीं था, लेटेस्ट वर्जन नहीं था VmWare का, और उसकी वजह से उसमें इंस्टॉलेशन। तो इस चीज़ को इंश्योर करें कि VmWare हमेशा जो है वो 15 से ऑनवर्ड हो। और यहाँ से अगर आप VmWare डाउनलोड करेंगे इस पे से, यहाँ से 64 बिट, तो ये इसमें एक अच्छी चीज़ ये होती है कि ये प्री कन्फिगर इंस्टॉल्ड वर्चुअल मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करना पड़ता आपको, और बड़ी आसानी के साथ आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। और वर्चुअल बॉक्स करना चाहते हैं तो वर्चुअल बॉक्स भी आप यहाँ कर सकते हैं इंस्टॉल। तो 32 बिट आप देख सकते हैं माई कंप्यूटर पर, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में दिस कंप्यूटर पर प्रॉपर्टी के आपको ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट है या 32 बिट है, उसके लिहाज से आप इसको इंस्टॉल यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये एक मसला है कि आप जो सबसे ज़्यादा स्टेबल वर्जन है वो है काली लिनक्स का 2019 का, 2019 का जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है और सबसे ज़्यादा अच्छा है, तो उसको कैसे डाउनलोड करें? यहाँ तो कोई ऐसा लिंक नहीं है कि प्रीवियस हम करें डाउनलोड। तो अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर जाएं old.kali.org काली इमेज, ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ इसको, और ये आपको नज़र आ रहा होगा सामने लिखा हुआ है old.kali.org/kali-images/kali-2019.1। इसको आप खोलेंगे तो ये पुराना 2019 का ये आपको ला देगा, और यहाँ पे आप इसमें इसके अंदर जो है वो नीचे इसके करें, आपको ये तमाम इमेजेस नज़र आ रहे हैं, AMD 64 नज़र आ रहा है, i3 का ISO नज़र आ रहा है आपको, और यहाँ पे आप इसको यहाँ पे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, 2019 का ISO इमेज यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आगे स्पेस लिखिए कितनी स्पेस यहाँ पे वो लेता है, मिसाल के तौर पे मैं ये AMD 64 बिट के लिए मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो 3 GB ले रहा है ये, और .ISO इमेज है, तो यहाँ से मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज में न्यू में ओपन हो जाती है, नई टैब ओपन हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने जो है ये डाउनलोड करके रखा हुआ है इमेज, मेरे पास यहाँ पे इमेज मौजूद है, डाउनलोड करके मैंने रखा हुआ है यहाँ पे ई में, और यहाँ पे मैंने इस इमेज के अंदर यहाँ पे डाउनलोड, ये काली लिनक्स 2019 वर्जन वर्चुअल मशीन प्री कन्फिगर AMD 64 बिट के लिए है। इसको आप राइट क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट टू काली लिनक्स कर सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है, ये सारी प्री कन्फिगर यहाँ पे फाइलें जो है वो ऑलरेडी मौजूद है प्री कन्फिगर। अब इसको मोस्टली बड़े आसानी के साथ कॉन्फ़िगरेशन करने का आसान तरीका ये है कि वर्चुअल मशीन में जो है वो ओपन कर लेता हूँ, देखिए ये आ गया, वो लिंक को मैंने क्लिक किया 2019 IDM के साथ आ गया कि आप इसको डाउनलोड करें, लेकिन मैंने डाउनलोड की हुई है इसलिए मैं इसको कैंसिल करता हूँ, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ वर्चुअल मशीन ओपन करने के में बाद आप फाइल में जाएंगे, ओपन में जाएंगे, और ओपन में जाने के बाद आप क्या करेंगे कि ई में जाएंगे, ई में जाने के बाद आप इसमें यहाँ पड़ा हुआ है ये फोल्डर एक्सट्रैक्ट करके रखा है, इस फोल्डर में जाएंगे, और यहाँ से जाने के बाद ये लास्ट जो .vmx एक्सटेंशन है, वर्चुअल मशीन की एक्सटेंशन है, आप देख रहे हैं टाइप वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िगरेशन की एक्सटेंशन है, इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ऑलरेडी वर्चुअल मशीन जो प्री कन्फिगर है ओपन हो जाएगी, ठीक है। बाज़ दफ़ा यहाँ प्रोसेसर 4 लिखे होते हैं, अब मेरे लैपटॉप में अगर आपकी ज़्यादा क्वाड कोर है, 4 प्रोसेसर है तो ठीक है, बाज़ दफ़ा अगर 4 प्रोसेसर के साथ ये रन भी नहीं करेगी, तो इसको आप यहाँ पे जाएंगे एडिट वर्चुअल मशीन में, इसके प्रोसेसर की साइज़ को कम कर देंगे, जितने आपके लैपटॉप में, अगर आपके लैपटॉप में 1 प्रोसेसर है तो उसके मुताबिक 1 कर दें, 2 है तो 2 कर दें, मैं यहाँ से इसको नंबर ऑफ़ प्रोसेसर 2, नंबर ऑफ़ कोर पर प्रोसेसर 2, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। मेरा अगर 1 प्रोसेसर है, 2 कोरें तो 2 कोरें, अगर 1 प्रोसेसर है, 4 कोरें तो मैं इसको 4 कोरें, ये आपको पता चल जाता है आपका कोर i7 है, कोर i5 है, कितनी कोर के साथ आपका ये लैपटॉप है। इसने जो हार्ड डिस्क की स्पेस ली है 80 GB, काली लिनक्स के बारे में बताता चलूँ इंस्टॉलेशन के हवाले से कम 2 GB रैम चाहिए और 20 GB आपको हार्ड डिस्क चाहिए, ठीक है, लेकिन ये क्योंकि मैंने प्री कन्फिगर इंस्टॉल किया था, डाउनलोड किया था, तो ये प्री कन्फिगर इसकी सारी सेटिंग है, ये तकरीबन मेमोरी मिनिमम जो है वो 2 GB ले रहा है, इसको मैं इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ इसलिए कि मेरे लैपटॉप में 8 GB रैम है, तो मैं जितनी रैम ज़्यादा अच्छी होगी उतना ही आप काली लिनक्स के अंदर स्मूथ काम कर सकेंगे। और काली लिनक्स के हवाले से बताता चलूँ कि जितना आपका लैपटॉप पावरफुल होगा, कोर i7 होगा, लेटेस्ट जनरेशन होगी, 8 GB 16 GB रैम होगी, उतना ही बेस्ट है,
आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वर्चुअल मशीन को रैम एलोकेट कर सकते हैं और स्मूथ इसके ऊपर काम कर सकते हैं। वैसी तरीके से आप यहाँ से सी डी रोम नेटवर्क अडाप्टर, नेटवर्क अडाप्टर में आपने जो सेटिंग रखनी है वो सबसे ऊपर ब्रिज सेटिंग रखनी है आपने, ये यहाँ पर क्लिक किया ब्रिज सेटिंग रखनी है इसको, और यहाँ पे इसको आपने ओके कर दिया ब्रिज सेटिंग करने के बाद। उसके बाद आप इसको पावर ऑन, ऊपर लिखा हुआ है पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन, इसको ऑन कर लेना है। यहाँ से व्यू में जाकर इसको फुल स्क्रीन कर लेना है ताकि आपको इसको नजर आ सके। ये अभी स्टार्ट है, ऑलरेडी स्टार्ट है, और यहाँ पे आप इसे अंदर क्लिक करेंगे और इंटर दबाएंगे तो ये इसकी स्टार्ट वर्चुअल मशीन की जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा इसको बूट होने में, ये अपनी फाइलें बूट करता है, प्रोसेस करता है, और इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा टाइम लगता है वर्चुअल मशीन में। तो इसका एक फ़ायदा ये होता है कि हमें जो वर्चुअल मशीन है काली लिनक्स को फुल इंस्टॉलेशन करना है, जो काफ़ी एक डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू विंडो के, तो प्री कन्फिगर्ड वीएमवेयर का ये फ़ायदा होता है ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इमेजेस होते हैं, जस्ट आपने इनको ओपन करना होता है और इसको जो है वो कन्फिगर करना होता है। और नेटवर्क सेटिंग को हम ब्रिज इसलिए रखते हैं ताकि जितना भी हम कोई यूएसबी लगाते हैं, वाईफाई कार्ड लगाते हैं, यूएसबी वाईफाई कार्ड या कोई और अडाप्टर अल्फा का लगाते हैं या नेटवर्क केबल लगाते हैं तो वो ब्रिज बन जाता है। अब बाई डिफ़ॉल्ट इसका जब यूज़र नेम है बाई डिफ़ॉल्ट वो रूट है ROOT रूट, और पासवर्ड इसका बाई डिफ़ॉल्ट इसका उल्टा इन्वर्स होता है TOOR, जिसको आप बाद में जाकर चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसको भी हम थोड़ी देर में पासवर्ड इसका चेंज भी कर सकते हैं, अपना पासवर्ड भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। ये बूट कर रहा है थोड़ी देर, और अभी स्क्रीन इसकी डेस्कटॉप की स्क्रीन नज़र आ जाएगी, और वहाँ पे अभी हम इसके बाद इसका पासवर्ड भी चेंज करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो टोर पासवर्ड है उसको चेंज करके कोई और पासवर्ड रखते हैं। अच्छा, जब अब ये काली लिनक्स आ गई, अब दूसरा अहम काम इसके ऊपर ये है कि आप इसको नेटवर्क के ऊपर लेकर आए। आप वाईफाई यूएसबी अडाप्टर ले लें, बहुत सस्ता मिल जाता है, यहाँ पे 500-600-700 रुपये में मिल जाता है, या मैंने यहाँ पे अल्फा का अडाप्टर लिया है क्योंकि मैंने तो इसमें हैकिंग और नेटवर्क सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए, वायरलेस टेस्टिंग के लिए अल्फा का नेटवर्क अडाप्टर जो 2,500 से 3,000 रुपये तक एक अडाप्टर है वो मिल जाता है, उसको यूज़ करता हूँ मैं। और वैसे नॉर्मल वाईफाई अडाप्टर भी आप उसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसका यह होगा कि इंटरनेट के साथ वो कनेक्ट हो जाएगा। और काली लिनक्स में ये काली लिनक्स का इंटरफेस है, यहाँ ऊपर एप्लीकेशंस आ रही हैं और यहाँ पे तमाम टूल्स वगैरह जितने भी हैं उसमें अवेलेबल हैं। पैरा मॉड्यूल जो होता है उसका इंफॉर्मेशन गैदरिंग का होता है, जिसमें हमने एनमैप पे मैं एक वीडियो बना भी चुका हूँ, पार्ट फर्स्ट की, सेकंड वीडियो भी बनाऊंगा और जितने टूल्स हैं इसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा। ये सारे टूल्स ऑलरेडी यहाँ पे गिवन होते हैं, और यहाँ पे भी इस साइड पे भी ये टूल्स वगैरह गिवन है, और इसकी जो कमांड प्रॉम्प्ट होती है वो यहाँ से भी ये गिवन है। यहाँ से आप टर्मिनल इसका ओपन कर सकते हैं यहाँ पे, और ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा जहाँ से आप कमांड्स वगैरह दे सकते हैं। और मैं इसमें लॉग इन हुआ हूँ एज अ रूट लॉग इन हुआ हूँ, और रूट ऐसा यूज़र अकाउंट होता है जिसके पास फुल कंट्रोल, फुल प्रिविलेज होती है, वो हर काम कर सकता है। और ये एक ऐसा ही अकाउंट है जैसे विंडो के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट है जिसके पास फुल प्रिविलेज होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसका, यहाँ से ये इस तरह भी ओपन हो सकता है, और मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ तो ओपन इन टर्मिनल, यहाँ से इस तरीके से भी मैं इसको ओपन कर सकता हूँ। यहाँ पे ये एक मुझे कमांड पॉप दे रहा है, ठीक है, और मैं यहाँ लिखता हूँ पास डब्ल्यू, ठीक है, पास PASS पास। मैं इसको थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ, ये कमांड आपको नजर आ रही होगी PASSWD पासवर्ड, नया पासवर्ड दे देता हूँ। ये मैं अपना जो बाई डिफॉल्ट पासवर्ड था टोर उसको चेंज कर रहा हूँ, और ये मैं पासवर्ड दे देता हूँ इस पर, अपना एक जो भी आपने अपना पासवर्ड रखना है वो इसको रख सकते हैं। एंटर करेंगे और दोबारा देता हूँ मैं पासवर्ड, ठीक है, वो कहता है पासवर्ड नॉट मैच, तो दोबारा लिखता हूँ PASSWD और फिर पासवर्ड देता हूँ। इस चीज़ को इंश्योर कर लेंगे माउस जो है वो अंदर क्लिक हो, ठीक है, और इससे आउट निकलना है, ठीक है, ठीक है, पासवर्ड मैंने नया दे दिया। अब टोर से चेंज होकर मैंने अपना, इससे अगर निकलना है तो आल्ट कंट्रोल दबाएंगे तो इस वर्चुअल मशीन से आपका कर्सर बाहर आ जाएगा, और जब आप माउस से अंदर क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर अंदर चला जाएगा। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ, ये मेरी थी टर्मिनल, और इस टर्मिनल को यहाँ पे राइट क्लिक करके भी मैं खोल सकता हूँ ओपन इन टर्मिनल। अब
जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी मैं अपना वायरलेस एडाप्टर कार्ड लगाता हूँ, इस काली लिनक्स को नेटवर्क के ऊपर लेकर आता हूँ, तो आप देखेंगे जो ही मैंने ये वायरलेस एडाप्टर यूएसबी कार्ड लगाया है और यहाँ पे इसके साथ अटैच किया है, चेक करना चाहता हूँ मैं कि ये इसके अंदर जो है वो यहाँ पे इसके अंदर इंटीग्रेट हो जाए। तो यहाँ पे ये वर्चुअल मशीन मुझे एक मैसेज भी दे रही है और यहाँ पे एक मैसेज दे रही है, ये मैसेज आ गया कनेक्ट टू होस्ट, यानी ये मेरे पीसी के साथ हो या वर्चुअल मशीन, ये मेरे वर्चुअल मशीन के साथ अटैच हो। ठीक है, इसको मैंने किया मेरे वर्चुअल मशीन के साथ, इसके साथ अटैच हो जाए ताकि अंदर की तरफ मैं इसमें इंटरनेट इस्तेमाल कर सकूँ। यहाँ से आप देखेंगे, और इसको मैं दोबारा लगाता हूँ, दोबारा प्लगिंग करता हूँ और यहाँ से व्यू, तो फिर ये मैसेज दिया है इसने यहाँ पे मुझे, मैं इसके साथ ये कनेक्ट टू वर्चुअल मशीन के साथ करना चाहता हूँ, उस वर्चुअल मशीन को भी मैंने सेलेक्ट कर लिया है और मैं इसको ओके करता हूँ और चेक करता हूँ कि ये मेरे वर्चुअल मशीन के साथ इंटीग्रेट हुआ है कि नहीं हुआ। उसके लिए चेक करने के लिए आप जो है इसको यहाँ पे इसमें यहाँ राइट कॉर्नर पे देखेंगे तो यहाँ लिखा है वाईफाई नॉट कनेक्टेड, सेलेक्ट नेटवर्क, कौन से नेटवर्क के साथ वाईफाई कनेक्ट है, वहाँ से स्कैन किया मैं, मेरा ये नेटवर्क है VTCL का, मैं इसके साथ कनेक्ट करता हूँ और इसके बाद वो पासवर्ड मांगेगा, आप अपने वाईफाई का पासवर्ड देंगे और इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और राइट क्लिक करके ओपन टर्मिनल करेंगे ओपन, और आप देखेंगे इफ इसको यहाँ लिखेंगे आप इफ CONFIG इफ कॉन्फ़िग, और ठीक है तो ये यहाँ से नीचे दे रहा है पासवर्ड मुझे। ठीक है, एज अ वी फॉर वाइल एंड मैं कनेक्टेड हूँ, और ये यहाँ पे ये मुझे आईपी एड्रेस असाइन हुआ है मेरा 192.168.10.17। तो सक्सेसफुली मैं नेटवर्क के साथ जो है वो क्या कर चुका हूँ, कनेक्ट हो चुका हूँ और ये इसके अंदर जो है वो मेरे वाईफाई कनेक्ट है, अब मैं इस पर इंटरनेट इस्तेमाल कर सकता हूँ, तमाम टूल्स वगैरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, इंस्टॉलेशन ऑफ काली लिनक्स, कि किस तरीके से इंस्टॉलेशन कर सकते हैं काली लिनक्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और भी वीडियोस इसके बारे में बनती है। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।